मध्य प्रदेश में भारी बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। मुसीबत तो बढ़ा रही है, लेकिन जो तस्वीर सामने ला रही है वो बताने के लिए काफी है कि अजब और गजब है। एमपी यहाँ का निर्माण कार्य गजब है और अजब है। वो ऐसे कि तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते पुल बंद है, आवागमन रुका हुआ है कई जिलों में, कहीं पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं। लेकिन इस बीच सिवनी जिले की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बहुत कुछ कहती है। ये पुल दरअसल 80 साल पुराना है, यानी अंग्रेजों के समय में ये पुल बना था, और इस बारिश में ये पुल जो है मंडला तरफ जाने वाले रास्ते को जोड़ता है, सिवनी से मंडला को, थारवा नदी पर बना हुआ ये पुल है, ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बीच का हिस्सा जो है ज्यादातर क्षतिग्रस्त हुआ है। यहां फिर से कह रहा हूं, 80 साल पुराना पुल है ये, जो अब इस बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है, और इस क्षतिग्रस्त पुल की वजह से यहां पर आवागमन बंद कर दिया गया। दो दिन पहले पुल पर पानी था, पानी के चलते पहले ये राहत की बात थी कि आवागमन बंद हो गए, तो लोग पुल से गुजर नहीं रहे थे। लेकिन आप देखिए, जब इस पुल को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि ये 80 साल पुराना पुल है जो इस बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ। एक वो पुल है जो पिछले साल बना, काम पूरा उसका शुरुआत हुई थी पिछले साल, मैं बात कर रहा हूं बेगमगंज की। हाल में उस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद, अधिकांश हिस्सा गिर जाने के बाद सवाल उठे कि एक साल में निर्माण कार्य जो है पहली बारिश नहीं झेल पाया इस गुणवत्ता के साथ हुआ। एक बेगमगंज का पुल और एक सिवनी का पुल, 80 साल पुराना पुल, अंग्रेजों के समय बना हुआ पुल। अब इसमें बात यह है कि आप देखिए अधिकारियों को, कि अधिकारियों से जब बात की गई, हमारे संवाददाता ने फोन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुल है इसका जो बेयरिंग सरफेस है वो वॉश आउट हो गया है, जिसको हम दोबारा काम कराएंगे और इसी पुल पर आवागमन चलता रहेगा। पानी छोड़ा गया था और पिछले 24 घंटे में पानी का बहाव बढ़ा है। आज जब पानी वापस निकली है, उसके बाद ये पूरा जो हमारा ब्रिज है वो क्षतिग्रस्त पाया गया है। इस संबंध में जो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको निर्देशित किया गया है कि आज ही वो टीम भेजकर इसका जो है टेक्निकल सैंक्शन और टेक्निकल एस्टिमेट बनवाए, ताकि इसमें काम शुरू हो सके और जो हमारा आवागमन है वो सुचारू हो सके। 20 घंटे से लोग परेशान होंगे, बट पानी में कुछ किया नहीं जा सकता। जब तक पानी उतरता नहीं तब तक इसमें काम भी शुरू नहीं किया जा सकता है। अभी भी इसकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आवागमन हम शुरू कर सकें, इसलिए हमें जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं उसी का जो है हमें यूज़ करना। तो अधिकारी को अभी भी इस पुल पर विश्वास है कि इसी पुल से आवागमन होगा। यहाँ पर साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो रास्ता है ये, इसके बिल्कुल पास में ही एक नए पुल का निर्माण हो रहा है। ये पुल तो सड़क विकास निगम की देखरेख में यहाँ पर आवागमन होता है, वो देखरेख करता है सड़क विकास निगम। लेकिन अब PWD यहाँ पर पास में ही, इसके बाजू में ही पुल बना रहा है 7.5 करोड़ की लागत से, जो कि अगली बारिश से अधिकारियों के मुताबिक पहले खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए, लोग आवागमन कर सकेंगे उस पुल से जो 7.5 करोड़ की लागत से बनेगा। लेकिन 80 साल पुराने पुल को फिर सुधरवाया जाएगा, अधिकारियों को भरोसा उस पर ज्यादा है, 80 साल पुराने पुल पर, जहां पर अभी जो मैंने आपको बताया बेयरिंग सरफेस वॉश आउट हुआ है, उसकी मरम्मत करा के फिर से उसी 80 साल पुराने पुल पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। और एक बेगमगंज का पुल, जहां एक साल पहले निर्माण कार्य हुआ था, अभी विभाग को हैंडओवर तक नहीं हो पाया था, पुल जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। समझने के लिए काफी है कि क्या निर्माण कार्य है, किस तरीके का निर्माण कार्य है जो ये हालत को बता रहा है। सिवनी से आप तक एक बार पहुंचाइए हमारे संवाददाता पुनीत कपूर ने, आप देखते रहे एमपी तक।